सालों तक आम जनता का इलाज करने वाले डॉक्टर जनक राज को चंबा की भरमौर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े हुए डॉक्टर जनक राज अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। उन्होंने टिकट के लिए पार्टी आलाकमान के साथ अपनी देवी देवताओं और जनता का आभार व्यक्त किया है। डॉक्टर जनक राज ने कहा कि उनके इलाके को कई सालों तक सुविधा नहीं मिल सकी है, जिसके वे हकदार हैं। उन्होंने कहा कि सालों तक जनता का शारीरिक इलाज करने के बाद अब समाज में फैली बीमारियों का इलाज करेंगे। भरमौर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जनक राज ने कहा कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क सुविधा के लिए क्षेत्र में काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी के संभावित उम्मीदवार और पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सूखा पेड़ ना तो छाया देता है और ना ही फल, ऐसे में जनता अब उगते सूरज के साथ चलेगी। उन्होंने दावा किया कि जनता भाजपा के साथ चलने का मन बना चुकी है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की बेहतर सुविधा के लिए भाजपा का साथ दे। प्रथम तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और संगठन का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को उन्होंने विश्वास जताया और भरमौर पांगी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इन चुनावों में 2022 के जो चुनाव आम चुनाव होने जा रहे हैं उस पर मुझे प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के धन्यवाद के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का, अपने माता पिता का, अपने सब शुभ चिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मेरे को शुभकामनाएँ दी, मुझे आशीर्वाद दिया और जिसके दम पर आज हम इस मुकाम पर पहुंचने में कामयाब हुए हैं। इसके लिए मैं स्वस्थ लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। हमारी लड़ाई अब शुरू हुई है और हम सब लोगों से, भरमौर पांगी विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता से हम ये आग्रह करते हैं कि वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जिताए गए विश्वास को जो है वो उस पर हम खरा उतर सकें। इसके लिए हम सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है। भरमौर देखिए, आपके सवाल में ही मेरे बात का जवाब है कि उन क्षेत्रों का वो विकास नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। इसी अव्यवस्था को चलते हमारे मन में ऐसा विचार आया कि डॉक्टर रहते तो हम केवल और केवल शारीरिक बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, परंतु हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो फैली हुई हैं, जिनका इलाज करना अति आवश्यक है। तो इन सब बातों को देख कर ही मेरे मन में ऐसा विचार आया और हमने अपने इस दिशा में जब कदम बढ़ाए और मैं पार्टी का फिर से पार्टी के सब शीर्ष नेतृत्व का, संगठन के सब अधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। देखिए, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य ये मुख्य समस्याएं उस क्षेत्र की हैं। इसके अतिरिक्त जैसे बेरोजगारी, व्यवस्थाओं में कमी, इस तरह की और भी समस्याएँ हैं, पर प्रमुखता से मैंने जो सोचा है वो ये है कि हमारी आने वाली पीढ़ी उसको बेहतर कल मिले, उसके लिए हम बेहतर कल का निर्माण कर सकें। इस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे और हम जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनके लिए बेहतर शिक्षा के प्रबंध हों, बेहतर शिक्षा उनको मिले ताकि वो भी मुख्य धारा के साथ जुड़ सकें, इस तरह के प्रयास हम करेंगे। जिस तरह से अभी तक कांग्रेस ने वहाँ पर कैंडिडेट अभी तक उतारा नहीं, लेकिन कयास लगाए जाएंगे कि पूर्व मंत्री जो हैं भरमौरी, उनको जो है टिकट मिल सकती है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा उनका राजनीतिक कैरियर है, मंत्री भी रहे हैं। देखिए, सूखे पेड़ों पर ना छाया, सूखे पेड़ों की ना छाया मिलती है, ना उन पर फल लगते हैं। लोगों को अभी नए पौधे के साथ चलना होगा। नया पौधा जो उगा है, जो आने वाले समय में लोगों को फलदार वृक्ष बनकर लोगों को वो फल और छाया दे रहे हैं, जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनके लिए बेहतर शिक्षा के प्रबंध हों, बेहतर शिक्षा उनको मिले ताकि वो भी मुख्य धारा के साथ जुड़ सकें, इस तरह के प्रयास हम करेंगे। जिस तरह से अभी तक कांग्रेस ने वहाँ पर कैंडिडेट अभी तक उतारा नहीं, लेकिन कयास लगाए जाएंगे कि पूर्व मंत्री जो हैं भरमौरी, उनको जो है टिकट मिल सकती है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा उनका राजनीतिक कैरियर है, मंत्री भी रहे हैं। देखिए, सूखे पेड़ों पे ना छाया, सूखे पेड़ों की ना छाया मिलती है, ना उन पे फल लगते हैं। लोगों को अभी नए पौधे के साथ चलना होगा। नया पौधा जो उगा है, जो आने वाले समय में लोगों को फलदार वृक्ष बनकर लोगों को वो फल और छाया देगा, लोगों को उसके साथ चलना जो है वो उचित रहेगा। और साथ ही साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि उगते सूरज के साथ चलना जो है वो उचित रहता है। तो अभी आने वाले समय में सब लोगों के बीच में जाएंगे और सब लोगों से बात करें। कब नामांकन आप करने जा रहे हैं? 21 तारीख को 12 बजे हम भरमौर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं।